हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अल्मा मैटर्स इनसाइड द आईआईटी ड्रीम्स को। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अल्मा मैटर्स इनसाइड द आईआईटी ड्रीम ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज दो दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस सीरीज में टोटल 3 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 45 से 55 मिनट के बीच का है। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी आईआईटी स्टूडेंट्स की कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचे और क्या वो वहां खुश हैं या नहीं और उनकी लाइफ अब किस डायरेक्शन में जा रही है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और आगे कुछ भी बोलने से पहले जो 11 12th के बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस सीरीज को मत देखना, क्योंकि ये सीरीज आपको डिमोटिवेट करने के अलावा कुछ भी नहीं करेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए आप इस सीरीज से जितना हो सके उतना दूर ही रहना। और जो भी बच्चे कॉलेज में जो कि कभी जेई एस्पिरेंट्स रह चुके हैं लेकिन वो आईआईटी में नहीं जा पाए, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इस सीरीज को जरूर देखना। आपके मन में जितनी भी गिल्ट होगी, खुद को लेकर क्वेश्चंस होंगे, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अपना बेस्ट देने के बाद भी आईआईटी में सिलेक्ट ना होने का गिल्ट मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी जेई एस्पिरेंट रह चुका हूं और अपना 100% देने के बाद भी रिजेक्शन झेल चुका हूं। इसलिए मैं आपका दुख समझता हूं। बाकी तो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री है, इसलिए बाकी किसी चीज के बारे में बात करना बेवकूफी होगी। और अगर आपने ये सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।